वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन। करवा चौथ एक पत्नी के प्यार और विश्वास की कहानी है। त्योहार भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर है। हिंदू धर्म में पत्नी अपने पति के लिए कई व्रत रखती है, लेकिन करवा चौथ का महत्व सबसे खास है। अपने हाथों में चूड़ियां सजाए, माथे पर अपने सिंदूर लगाए, चांद के दीदार में पलके बिछाए, हर सुहागिन इंतजार करती है और पति की लंबी उम्र की कामना करती है। जैसे ही चांद का दीदार होता है, सुहागिने चांद में अपने पिया का अक्स देखकर व्रत पूरा करती। व्रत में शिव, पार्वती, कार्तिक और करवा चौथ माता का पूजन किया जाता है। करवा चौथ से जुड़ी ऐसी कई कहानियां हैं, लेकिन जिसकी मान्यता सबसे ज्यादा है वो ये है। एक ब्राह्मण के 7 पुत्र थे और वीरावती नाम की एक इकलौती पुत्री थी। 7 भाइयों की अकेली बहन वीरावती सभी भाइयों की लाडली थी। सभी भाई अपनी इकलौती बहन पर जान छिड़कते थे। भाइयों ने बहन वीरावती की शादी एक ब्राह्मण युवक के साथ कर दी। शादी के कुछ वक्त बाद वीरावती भाइयों के पास मायके आई और फिर उसने अपनी भाभियों के साथ करवा चौथ का व्रत रख लिया। शाम तक वीरावती को भूख और प्यास की शिद्दत सताने लगी। शाम को सभी भाई जब खाना खाने बैठे तो उन्होंने अपनी बहन को भी खाने का न्योता दिया, लेकिन वीरावती ने व्रत के बारे में भाइयों को बता दिया कि उसका आज करवा चौथ का व्रत है और वो खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर उसे अर्घ देकर ही खा सकती है। चंद्रमा के निकलने में देर हो गई, वीरावती भूख प्यास से व्याकुल हो उठी। वीरावती की हालत उसके भाइयों से देखी नहीं गई और फिर एक भाई ने पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलनी की ओट में रख दिया। दूर से देखने पर वो ऐसा लगा कि जैसे चांद निकल आया है। फिर एक भाई ने आकर वीरावती से कहा, चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ देकर खाना खा सकती हो। बहन ने खुशी से चांद को देखा और उसे अर्घ देकर खाना खाने बैठ गई। इसके बाद उसने जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में रखने की कोशिश की तो उसके पति की मौत की खबर उस तक आ गई। इसके बाद वीरावती की भाभी ने उसको बताया करवा चौथ का व्रत टूट गया और इससे देवता क्रोधित हो गए हैं। उस वक्त इंद्रदेव की पत्नी इंद्राणी धरती पर आई हुई थी। वीरावती उनके पास गई और अपने पति की रक्षा के लिए प्रार्थना की। देवी इंद्राणी ने वीरावती को पूरी श्रद्धा और विधि विधान से करवा चौथ का व्रत करने की आज्ञा दी। वीरावती ने अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने दिया। 1 साल तक अपने पति के पास रही। अगले साल वीरावती ने पूरी श्रद्धा से करवा चौथ का व्रत रखा। उसकी श्रद्धा और भक्ति देखकर भगवान प्रसन्न हो गए और उन्होंने वीरावती को सुहागिन होने का आशीर्वाद दे दिया। इसके बाद वीरावती के पति जीवित हो गए और करवा चौथ का यह त्योहार अटूट विश्वास के ऐसे धागे में बंध गया जिसकी दोनों डोर पति पत्नी के हाथ में है और वक्त के साथ ये धागा और मजबूत हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, जनसत्ता टीवी।